हजरत सैयद अबुल फैजुल हसन अल मारूफ सखी तुर्त मुराद शाह रहमतुल्लाह अलैह का मजार है जी। वो बोलते थे जल्दी मुराद पूरी हो जाएंगे, तुर्त मुराद हो जाएगी। अच्छा, हिंदी लफ्ज है ये तुर्त जल्दी। अच्छा चल मिक्स है सब, मेरा ही है, मैंने पहले ऑर्डर दिया था, ये मेरा हो गया, आप लोगों का आता रहेगा। हॉट है, बहुत हॉट है, बहुत हॉट है। बाहर वापस जा रहा है, किधर जा रहे हो? इधर आओ, चलो आ जाओ, आ जाओ, चले आ जाओ, भाग के आ जाओ, आ जाओ, आज क्या यहाँ पे शांति है, क्या यहाँ पे सन्नाटा और क्या खूबसूरती है, हर तरफ हरियाली हरियाली है, माशाल्लाह। सारे तोते बैठे हुए हैं, तोते हैं, तोते नहीं मैं कहाँ है, बीच में कहाँ भी है, बीच में तोते भी हैं, ऊपर को देख तोते भी बैठे हुए हैं, मैं कहाँ है सारे, देखो जा तू है ना कहाँ, ऊपर कहाँ बैठे, मेरे कह रहा था कहाँ बैठे हैं। अमीर ये क्या चीज है यहाँ पे, ये देखें क्या खूबसूरत ये सेंटर में रखे हुए हैं, वो ये क्या दरबार है ये जी, वो ये कौन सा दरबार है, मुझे आइडिया नहीं है, चल के देखते हैं, पता करते हैं, आइडिया और देखते देखते देखते। हजरत सैयद अबुल फैजुल हसन अल मारूफ सखी तुर्त मुराद शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है जी, और 198वां सालाना उर्स मुबारक जो कि 2023 जनवरी में यहाँ पे मुनक़द हुआ था, तो भाई साहब वो भी लोगों ने मनाया, तो हम लोग यहाँ पे हैं भाई साहब, मज़ार अंदर चल के देखते हैं, बड़ा खूबसूरत मज़ार देखने में लग रहा है। हम ये भी रेडी हैं, ये बाहर वजू करने वाली जगह जी, और अंदर यहाँ से मज़ार का रास्ता है, तो अंदर भी चलते हैं, पहले आपको बाहर के मनाजिर दिखा देंगे, ये पता नहीं क्या चीज़ जगह बनी है, ये कोई मुझे नहीं पता इस चीज़ की क्या अहमियत है, बट ये भी कुछ बनाया होगा उन्होंने। ये दरवाज़ा है, कारपेटेड फ्लोर है यहाँ पे, और अच्छा ये चराग बड़े खूबसूरत से लगे हैं, मैं यहाँ दोबारा में आता हूँ अभी, लेकिन पहले आपको मज़ार के अंदर से देखने चलते हैं। जो उम्र आप सरकार की लिखी है वो भी हकीकत नहीं है। अच्छा। वो ख्याली लिखी हुई है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ, मैं 14 साल का था इधर आया हूँ, 1974 का मैं इधर बाबा जी के हाजिरी दे रहा हूँ। वो जो गोरी की जिससे ना आपका बाग बाग बनवाया था ना गोरे ने, तो आप सरकार ने उसको ज़ियारत करवाई, एक नहीं दो दफ़ा करवाई। अच्छा, पहली दफ़ा तो उनको अपने अंग्रेज लोग क्रिश्चन होते हैं वो परवाह नहीं करते, लेकिन जब दूसरी दफ़ा आपने कहा तो फिर वो इधर आया, उसने फिर निशानदेही की है, एक दरबार ये है तुर्त मुराद का, एक दार सलाम मस्जिद है अंदर बाग के अंदर। अच्छा, उसकी बैक साइड पे बीबी फातिमा मुराद। अच्छा, लोग बोलते हैं कि आपके हमशीर है, लेकिन हकीकत का किसी को पता नहीं। सही, एक अपना दरबार है इधर, अपना लाइब्रेरी है ना ये सामने, उसके आगे बाबा शरफुद्दीन। अच्छा अच्छा, वो गौस पाक सरकार के जो बेटे हैं बड़े, उनके खलीफा अव्वल हैं, क्या हाल है बेटा, उनके खलीफा अव्वल हैं बाबा शरफुद्दीन। ये तीन दरबार हैं बाग जना के अंदर। अच्छा, तो इसलिए यहाँ पे ये दरबार मशहूर है ना, तो इसलिए मशहूर है कि यहाँ पे मुराद जल्दी पूरी हो जाती है, तो तुर्त मुराद वो अम्मा जी ने नाम रखा है। अच्छा, आप सरकार का जो नाम है हजरत सैयद अबू फैजुल हसन असद हुसैनी। अच्छा, ये आपका सरकार जो तुर्त मुराद है वो अम्मा जी ने नाम, जो आते थे ना लोग जायरीन आते थे, ये मुराद पूरी हो, वो बोलते थे जल्दी मुराद पूरी हो जाएगी, तुर्त मुराद हो जाएगी। अच्छा, हिंदी लफ्ज है ये तुर्त जल्दी। अच्छा, वो सबको यही बताते हैं कि तुर्त मुराद हो जाएगी, इसलिए मशहूर जो है ना तुर्त मुराद के नाम से, हमने जो फाइल में जो क्या मैं काफ में 1996 में गया, उस वक्त भी ये सही तुर्त मुराद के नाम से मशहूर ना, इसलिए हमने पब्लिसिटी ये सही तुर्त मुराद की है, और यहाँ पे फैज जारी है, बेशक बेशक, यहाँ पे जो भी आता है बा मुराद हो जाता है, और जल्दी ये नहीं देर नहीं है इधर, बहुत जल्दी किसको ख्वाब के जरिए बुलवा लेते हैं, कोई वाह करने आते हैं वो सरकार के हाजिर देते हैं, जो कुछ लोग वैसे भी आते हैं सरकार की मन्नतें मानते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पूरी करता है, करता अल्लाह की ज़ात है, बेशक बेशक, इन वलियों का सरकार, इन वलियों की दुआओं से अल्लाह ही करता है सब कुछ।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। दादा भी देख लें फिर, आपको हम लोगों ने आज फिर नहीं ले लिया। क्या कहते हैं आपने? बस मैं तो घर लिए निकलने लगा था ऑफिस से। अच्छा, बेसिक इरादा था कि यहाँ पे ना बागे जिना में आने का इरादा था, लेकिन फिर ये रस्ते में मजार नजर आ गया, तो हमने कहा इधर भी हाजिरी दे, जरा देखें, सलाम करें बुजुर्गों को और देखेंगे इनकी क्या मामला है, क्या सिस्टम। तो बड़ा अच्छी हिस्ट्री पता लगी अल्हम्दुलिल्लाह। हिस्ट्री जो है वो हम इंशाल्लाह ताला ये बताएंगे लोगों को, उम्मीद है लोगों को पसंद भी आएगी इंशाल्लाह। और घर में सब खैरियत? सब खैर। कल का प्रोग्राम मुझे ना 50-50 लग रहा है, एक और प्रोग्राम आ रहा है। काका साहब टर्टल के ऊपर आप खड़े हो गए हैं, टर्टल आपको भरेगा? देख रहे रैबिट पीछे और टर्टल आगे, ये बोला कौन सी स्टोरी है? स्लो एंड स्टडी विन द रेस। यस एंड स्लो एंड स्टडी वी लीव हियर, सर्दी बहुत है और अपने घर जाना है। क्या खूबसूरत ये फूल लग रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा करो, ये बच्चे का अब दिल नहीं कर रहा छोड़ने का इस रैबिट को और टर्टल को। बहुत ही खूबसूरत और पुरसकून जगह, अपनी फैमिली के साथ जरूर है, यकीन करें बहुत मजा आ रहा है हम लोगों को घूमने का यहाँ पर। ये जो पहाड़ी वगैरह बनी है तो इधर से आप ऊपर जाने का इरादा बना है, वो ऊपर ना वहाँ पे देख रहे हैं वो एक डोम सा बना हुआ है, तो पता नहीं चले का टाइम है। तुम्हारी क्या नियत है? मेरी नियत तो मैं तो बता रहा हूँ तैयार, मुझे किसने कमेंट है? बात तो सही है। अच्छा इधर से उन्होंने शायद फ्लैट सा बनाया और इधर से सीढ़ियाँ बनी हैं, स्लोप से सीढ़ियाँ चलते हैं। बेगम साहब आजो 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 आजो, हिम्मत करो आजो आजो आजो, तुम्हें बड़ा शौक था जिना पार्क जाने का, आजो। सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरी कुदरत है। क्या सेटिंग पॉइंट है? बैठते हैं वापस आगे, बैठते हैं बैठते, पहले ऊपर ही देखो लाइट जल रही है, यहाँ चलते हैं। अल्लाह अल्लाह करके हम लोग ऊपर तो आ गए, सांस भी बहुत छुड़ा हुआ है, लेकिन ये बंद हो गया हुआ अंदर बर्ड्स केज है। और कितने खूबसूरत परिंदे हैं यार, क्या कहते हैं? ताला लगा हुआ है, अगर हम टाइम से आते तो शायद अंदर गिर जाते, और अंदर से कुछ चार जानवर भी देख रहे थे, लेकिन अब अंदर नहीं आ सकते फिलहाल। बहुत बहुत महंगी नस्ल लग रही है, इसे देख रहे हैं जो उन्होंने सेफ्टी की है ना, बहुत ज़्यादा मजबूत थी। वो तो मुझे भी आइडिया, जारी बात है महंगी नस्ल है तो उन्होंने अंदर रखी हो। अच्छा ये पहाड़ी का टॉप है, तुरंत मुराद उनका मजाक यहाँ नीचे करके इस तरफ, और हम लोग ये पहाड़ी के ऊपर आए हैं, देख रहे हैं नीचे घर शायद लाइटें आपको नजर आ रही हूँ, वो देखें वो आगे कोई पता नहीं कौन सी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग वो जो लाइट्स चार पांच नजर आ रही जी जी, वो रमाना होटल बन रहा है हमारी पंजाब असेंबली के बिल्कुल सामने है ये। फाइनल और ये बस फाइनल हो रहा है बंदर, फिर मेरे ख्याल से जो टाइल पत्थर वगैरह होते हैं वो चल गया, सही हो गया, सही हो गया माशाल्लाह। वो वापडा उसे आप लोग अंदर देखें, मुख्तलिफ तरह के परिंदे हैं, नस्लें हैं, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव नस्लें हैं, ये देखें और ये काफी चीजें अंदर घूम फिर रही हैं। ये परिंदे मेरे ख्याल से उन्होंने बनाया ही इन नया परिंदों के लिए, ये कवरिंग सी बनाई है, चारों तरफ से बंद है, इसके ऊपर छत भी बकायदा उन्होंने लगाई हुई है इसी चीज की, ताकि परिंदे डिस्टर्ब ही ना हो और ये अंदर महफूज भी रहे। हम लोग दूसरी साइड से आए थे और अपोजिट साइड से दादा कह रहे हैं कि जी इस तरफ से नीचे चले जाते हैं, जबकि आते मरते हम लोग पीछे वाली साइड से है ना। हाँ उस तरफ से हम लोग आए थे और इधर से नीचे उतरने लगे। अब हम लोग पहले तो सीढ़ियाँ चढ़ कर ऊपर आए थे, अब ट्रैक करके हम लोग नीचे उतरे हैं यहाँ से। इधर ऊपर काफी परिंदे हैं दरख्तों के ऊपर, ये देख रहे हैं आप लोग, तो ये मेरे ऊपर कहीं शूट शूट ना कर रही है, काफी परिंदे हैं। जिससे हम लोगों को बाहर का रास्ता मिलना है, अब मुझे आगे नजर कुछ नहीं आ रहा, लेकिन चले कोई नहीं, व्लॉगिंग की खातिर तो गिना भी मन हो रहा है। ये देखे जरा, ये सामने पाक ही पाक है, ये पाइन के ट्री है, इसके ऊपर पाइन उगता, फिर वो जो लोग उसको पकड़ के पानी में डाल के उसको खोलते हैं, फिर वो लकड़ी को उससे जाते हैं, बड़ा प्यारा वो लगता है, ये एक डेकोरेशन पीस के तौर पर दिखता है। अच्छा बस हम लोग गेट नंबर 1 जो उधर से बाहर निकलने का इरादा कर रहे हैं। तो आपने हमें खिलाना कुछ नहीं? नहीं कुछ नहीं खिलाना पिलाना, घर चलो घर, तुम्हें अच्छी सी दाल पकी हुई कोई ना कोई तुम्हें वो खिलाता है। बाकी जिन्हें टूर तो कम्प्लीट, अब बेगम साहब कह रही है बिरयानी खानी है, तो बेगम साहब को बिरयानी खाते हैं, मेरा दाल चावल खाने, तो माल रोड में दाल चावल वाले बैठे हैं उनसे करके दाल चावल खाते हैं। माल रोड पर आए तो जी ये अल मिराज फूड वाले हैं, इनकी बिरयानी, इनके चावल, बिलखसूस इनके दाल चावल बहुत ज्यादा मशहूर है। मेन्यू में क्या रखा है? चावल है और वेजिटेबल बिरयानी है। वेजिटेबल चिकन बिरयानी है, चिकन एक बिरयानी ला दे मेरी और एक मेरी दाल चावल की प्लेट। कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? तमाम लोग जो है ना यहाँ पे बैठे खाना खा रहे हैं, ठीक है जी। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे लाइनें लगी हुई थी बंदों की, अफराद यहाँ पे लाइनों में खड़े होकर बिरयानी ऑर्डर कर रहे थे, जिन्हें दाल चावल ऑर्डर कर रहे हैं।
हमने ऑर्डर कर दिया 4 दाल चावल और 1 बिरयानी। एक्चुअली ये दाल है नहीं, ये साथ में चावल वाइट वाले और वो साथ में बिरयानी वाले। ये रायता बड़ा अलग किस्म का, ये साथ में दूसरा रायता है। हमारा भी ऑर्डर ये देखिए, लोगों के धड़ाधड़ ऑर्डर माशाल्लाह लग रहे हैं और जा रहे हैं और लोग खा रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं, बिल भी लेकिन दे रहे हैं साथ में। अच्छा जी, ये है जी बिरयानी और ये है जी फुल दाल चावल, ऐसी है ना? चलो जी बिस्मिल्लाह करो। ऑर्डर चल मिक्स है सबका। मेरा ही है, मैंने पहले ऑर्डर दिया था, ये मेरा हो गया, बाथरूम का आता रहेगा। इस बच्चे ने ना मेरे ख्याल से बिरयानी से पहले मार खानी है। इसे ना कोई चीज पकड़ेगा नहीं, इसे पता आएगा। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। हाफ दाल चावल और साथ में एक अलग शामी है मेरी, पहले मैं ये खाऊंगा और उसके बाद मैं पूछा लाइक हाफ बिरयानी भी मंगवानी है, बिरयानी भी खाएंगे। अलहमदुल्ला जी भाई साहब दाल चावल मैंने खत्म कर लिया है, अब हम लोगों ने मंगवाई है, मैंने हाफ बिरयानी बल्कि मंगवाई है। हाफ बिरयानी आती है, ये शामी मैंने बचाई है, बिरयानी भी खाऊंगा। तो रजा भाई के लिए और रजा भाई ने अपने मौजूदा दाल चावलों के ऊपर दाल डलवाई है। दाल बदलदार इतनी थी कि मैंने दाल जल्दी नहीं इतना किया, मैंने प्लीज चेक करें कितनी हैवी है ये, हाफ प्लेट में ली है, लग रही है हाफ प्लेट है ये। दिखाएं मैं करके दिखा दूं, मेरे से दिखाएं मैं हाफ करके दिखाता हूं। अरे तू जा रही है? ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मजा आया ना? बहुत मजा आया आपके साथ, मुझे भी अंदर बड़ा मजा आया, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ओके जी, आपका ब्लॉग देखेंगे, बड़ा मजा ज्यादा है। अभी मार्केट जाना है? मुन्ने की तो बिची हो गई, व्लॉग बन गया। और ये गाजर का हलवा भी गरमा गरमा आगे दिलाओ, खाए खाना खराब ना करी, तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी, खराब ना कर, खराब ना कर, छोड़ दे, लाता हूँ एक मिनट ठहर जा, गंदे बच्चे, गरम गरम है, हॉट है, बहुत हॉट है, बहुत हॉट है, पैदू शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा हॉट है, ऐसे नहीं, हॉट है, हॉट है, नॉर्मल है, अब कूल हो गया, मैंने कूल कर दिया, अब खा देखो, नजर है, मजेदार, कूल है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग खैरखली से वहां से वापस आ गए हैं भाई साहब। उसके अलावा गाजर का हलवा बहुत ही मजेदार है, मैं इसको खत्म करूं, आप लोग भाजन तोहफा हदीत ने गीता लाइक शेयर सब्सक्राइब करते अपना बहुत दिखा रहे हैं, मुझे तो उम्मीद है कि बशर्ते जिंदगी का लाज़िम मुलाकात करते हैं, नई जगह नए मुकाम नए काम के सिस्टम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और रात बख़ैर।